दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आज एक ऐसे किसान साहब को रूबरू कराऊंगा जो मतलब मेहनत के साथ साथ इन्होंने मतलब पिछले 15 साल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लायक जो दिखाने लायक है वो क्रिएट करी और अपनी मेहनत के बदौलत ये है इनका अपना खुद का मकान। और जी ज़्यादातर चीज़ें इनके पास जो मिलेंगी वो जॉन डियर कंपनी से रिलेटेड ही मिलेंगी। अगर ट्रॉली भी इनके पास है, देखो ट्राला इनके पास है, ये आपकी ये देखो एक ट्रैक्टर इनका ये खड़ा, इनके पास जितने भी ट्रैक्टर मिलेंगे सारे जॉन डियर कंपनी के मिलेंगे और काफ़ी पुराने टाइम से मतलब जॉन डियर के साथ जुड़े हुए हैं। और ट्राली के ऊपर भी जितने भी इम्प्लीमेंट हैं इनके पास में वो कलर भी मैच है, मतलब जॉन डियर कंपनी का जो कलर है उससे ही मैच होगा हर ट्राली। सारे सोंज हैं इनके पास में, सारे साधन बना रखे, बहुत मजबूत मतलब अपना मकान ठिया और सारी चीज़ें सब बात करेंगे। एक ट्रैक्टर उधर खड़ा, आ जाओ जी अंदर चलते हैं और एक बार बाबूजी से मिलवाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नमस्कार जी, ठीक हो जी? एक बार ये बताओ, जैसे आप जॉन डियर कंपनी से काफ़ी टाइम से जुड़ रहे हैं, तो किस मतलब सन में आप जॉन डियर कंपनी से जुड़ गए थे? सन 2002 में। 2002 2002 में आपने ट्रैक्टर कौन सा लिया था जॉन डियर कंपनी का? जॉन डियर 5310 LT में आया करता था उस टाइम। अच्छा जी, हाँ जी। तो वो आपने सबसे पहले ट्रैक्टर लिया था? सबसे पहले लिया, अभी भी हमारे पास फिलहाल मौजूद है। अच्छा, आपके पास है 2002 भी? 2002। तो आज हो गए जी 22, मतलब कंप्लीट हो लिया 20 साल हो गए। 20 साल हो गए है ना? तो 20 साल से अभी तक उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई ट्रैक्टर में? जैसे आप चला रहे काफ़ी बड़ा आपके पास मतलब वो भी है, इंजन तो आज तक उसका खुला नहीं है। कितने घंटे चले होगा अंदाजा जी? वो तो मीटर भी उसका 2 बार रिपीट हो गया होगा, मतलब मेरे हिसाब से 50,000 घंटे से ऊपर चले गया होगा कम से कम। 50,000 घंटे गेयर बदलने चलता है इंजन ने खुला आज तक? आज तक। और क्या क्या काम कराया जी उसमें? वो चलो गेयर गेयर बक्से का एक दो करारी है जो जी डालनी पड़ी उसमें बीच में, ठीक है। और जी वाटर बॉडी भी 20 साल में 2 बार वाटर बॉडी खुली उसकी। अच्छा, वाटर बॉडी 2 बार मतलब? 2 बार ही खुली। 2 बार खुली मतलब इतने 20 साल के अंदर। और मतलब आपके पास आप कितनी बीघे की खेती कर रहे हैं फिलहाल, मतलब एकड़ में कितनी कर रहे हैं? 110 एकड़ के फिर में 110 एकड़ की खेती करते हैं हमारे जो भाई साहब हैं, 110 एकड़ की इनके पास। और ज़्यादातर आपके पास गन्ना है? गन्ना है जी और मुंजी है? मुंजी भी है। अच्छा, मतलब डबल डबल फसल करते हैं उसमें, धान की भी जो सट्ठी वगैरह जोड़ से लगती है, हाँ उसमें पड़े भी सब इसी से होते हैं। मतलब ट्रैक्टर से ही सारी चीज़ अपने ले कर चलते हो। एक बार आ जाओ, आपको किसान भाइयों को दिखवाते हैं क्या क्या अपने पास पूरा इम्प्लीमेंट सर ने बना रखा। ये ट्राली है आपके पास में? ट्राला ये प्रेशर वाला है जी? हाँ, प्रेशर वाला। ये किस काम में आता है? ये अपना धान वगैरह और गेहूँ वगैरह उसमें ले जाने के लिए, मंडी के लिए। तो कितने बाई कितने का बना रखे आपने? ये 17x7 का है। 17x7 का है? हाँ, ये देखो ये 17x7 का ये ट्राला है। ये जो इस पर कलर भी कराया आपने? हाँ, तो कलर भी जॉन डियर कंपनी से मैच ही है जी? हाँ जी, है ना भाई, एक शौक है जॉन डियर का, प्यार है हमारे। अच्छा, ये प्यार है आपका मतलब जॉन डियर वाला? और जॉन डियर ने हमें बनाया है, जो जिस टाइम हम न्यारा है मतलब हमारे पापा जी अलग हुए जी जी, उस टाइम हमारे पास सिर्फ 100 बीघा धरती थी, 100 बीघे जमीन थी जी। और जो इतने मुकाम पे पहुँचाने वाला ये, आज आप मतलब 550 बीघे जमीन बो रहे? हाँ जी, फिलहाल वो आप इतनी खेती कर रहे हैं ना जी, तो 100 बीघे से 550 ये आपने खरीदी बाद में? हाँ जी, उसमें सब खरीदी। अच्छा, मेहनत से करके ये खरीदी गई। तो आ जाओ जी एक बार आपको दिखवाता हूँ सर के पास, देखो कितने अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट है। और ये सीख लेनी चाहिए हमारे जितने भी किसान भाई हैं, क्योंकि इतनी मेहनत भाई, मेहनत करोगे तो सब कुछ मतलब मुमकिन है। इनके पास में एक ट्रैक्टर तो आपका ये ऊपर मशीन पर ऊपर रखा हुआ है 5310, एक ट्रैक्टर ये बड़ा खड़ा। ये मॉडल कौन सा जी? ये 2002 मॉडल है जो सर ने पहला ट्रैक्टर लिया था अपना जॉन डियर। आज तक इस ट्रैक्टर का इंजन नहीं खुला, गियर। हाँ जी, लिफ्ट पंप है वो भी जुगत हुई है अभी तक इसके साथ। अच्छा, लिफ्ट में भी कोई काम नहीं हुआ था अभी तक, कोई दिक्कत? अच्छा जी, और ये मतलब ये है जी 2002 मॉडल। ये इंजन इनका ब्लैक आता था उस टाइम, है ना? और जो अभी नए भी ले रहे हैं आप, उसमें भी कुछ फर्क आया जी? ब्लैक या कलर ही था या कुछ फर्क है इंजन में? नहीं, जो अब आ रही है उसमें हरा कलर आ रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। तो पर जो मेरे पास है वो काले कलर में ही है, तीनों के तीनों। अच्छा, आ जाओ जी सर के पास एक बार दिखाता हूँ। इन्होंने अपना मतलब इतना प्यार है मतलब खेती से, कि पूरा पूरा जितना भी इनका साधन है उसके लिए सारा मतलब सेटलमेंट बहुत इतने प्यार से रखा गया, अपने घर भी नहीं करता कोई इतना इतना काम। एक ट्राला इनके इधर खड़ा,
ये भी प्रेशर वाली है धान वगैरह के लिए, ये इनकी स्प्रे मशीन है, और इनके पास एक स्पेशल स्प्रे मशीन है जो इन्होंने 13-14 लाख रुपए खरीद रखी है, वो भी दिखाऊंगा आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये इनकी स्प्रे मशीन है, और ये ट्रैक्टर के साथ जुड़ो चलती है जी या इस मोटर से भी चलती है? मोटर से भी चल जाती है। अच्छा, मतलब बिजली का कनेक्शन दो तो मोटर से भी चल जाती है। आ जाओ जी, ये क्या है? हवा कंप्रेसर वाला साथ में ये इसके। हाँ, हवा कंप्रेसर ठीक है। और ये क्या है जी? ये बूस्ट बनाने वाला रीपर। अच्छा, रीपर है, एक रीपर ये रहा आपके पास में। टोटल रीपर कितने ले रहे हैं आप अपने पास में? दो थे, एक सेल कर दिया हमने। एक सेल कर दिया। और कंबाइन कितनी है आपके पास में फिलहाल? दो कंबाइन है, एक पानी वाली है, दो अपने इसकी जोड़ी ट्रैक्टर वाली है। अच्छा, मतलब फिलहाल तीन है जी है। और इधर देखो जी, ये अब इनका खुद का बना, इधर पंखा वंखा भी है, जॉइंटर के टायर वायर सारे पड़े, मतलब पूरा बहुत ही मजबूत तरीके से अपना मैनेजमेंट किया हुआ है, मतलब हमारे सर ने, और सारा का सारा जॉइंटर के हिसाब से कुछ भी कमी पेशी। सर्विस भी आप ट्रैक्टर की घर पे ही कर लेते हो सर? घर पे ही, मतलब आज तक हम वर्कशॉप में नहीं लेके गए, मतलब जब से ट्रैक्टर लेते हो। हाँ, सिर्फ एक एक सर्विस की तो मैं कह नहीं सकता। हाँ हाँ। और उसके बाद में जब हमें वहाँ संतुष्टि नहीं हुई। हाँ। कुछ जो उस टाइम करने वाले थे मतलब थोड़ा सा। हाँ, कम थे। जी जी जी। तो फिर उस टाइम से फिर हम अपने आप ही करना, मतलब खुद आज तक, मतलब आपके पास 3-4 ट्रैक्टर हैं फिलहाल के टाइम में भी? आसपास के भी जो है ट्रैक्टर वो भी हमारे से ही कई बार काम करवा के जाते भाई, वहाँ क्या लेकर जाएंगे, यहीं करवा दो काम। अच्छा, यहीं से कर लेते हो, मतलब सारी चीजें ले रखी है आपने, मतलब देखो जी ये सर ने सारा का सारा सामान रख रखा, कूलर वगैरह जो भी चाहिए उसमें, क्लच प्लेट में कूलर चाहिए। जी जी जी। और अपना और कोई काम है? ये सारे चाबी पन्ने, मतलब बहुत बढ़िया, और 5-5 क्योंकि बड़ी सोंज के हिसाब से भाइयों तेल भी ज़्यादा लगता है। तो देखो यहाँ पर ये इतना मैनेजमेंट बना के पूरी ये करके इसमें 5 अपने ड्रम रख रखे, तो ये उतरते रहें और नए आते रहें, तो ये पूरा है जी। अब चलता हूँ आपको लेकर बाहर। ये प्यारा सा झूला किस लिए है बाबू जी? ये सामने ये अपना छोटा बच्चा वाला, उस टाइम एक यार दोस्त बाड़ी का काम करते हैं। हाँ जी, उन्होंने गिफ्ट में दे के गए थे। अच्छा, उस टाइम से ही अपने छोटा भाई की बच्ची हुई, वो भी इसी में खेले हो रहा है, मतलब पास में। बहुत ही केयर से सर ने रख रखा, अपना फार्म है, यही मकान है, यही खेती है सारी चीज। इधर ये अपना ट्यूबवेल का सेटलमेंट है पूरा पूरा, और ये जानवर वगैरह मतलब जो अपने भैंस भैंस रखते हैं, तो ये पूरा पूरा उन्हें नहलाने के लिए, देखो कितना बड़ा है। और ये अपने घर के लिए स्विमिंग पूल भी है जी, छोटा सा, लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, ये किसान का अपना पर्सनल स्विमिंग पूल भी बोल सकते हो आप इसे। आपको लेकर चलता हूँ बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ भी देखो जी, गेट पर भी बहुत बढ़िया मतलब फूल वूल लगा रखे। और जी अब लेकर चलता हूँ आपको बाहर की तरफ। भाई साहब के पास में ये देखो जी, ये है स्प्रे मशीन, ये आपने बहुत ही कम जगह देखी होगी, शायद कम ही देखी होगी आपने। ये शक्तिमान कंपनी की मशीन है स्प्रे मशीन, इंजन विंजन सारा चीज़ कंप्लीट है इसी के अंदर ही। और जी अभी भाई साहब से बात हुई थी मेरी, तेला खर्चा बहुत कम बता रहे इसका। ये देखो जी, ये पूरा पूरा मतलब, ये बाबूजी जो कौन सी कंपनी की मशीन है ये? ये शक्तिमान कंपनी की, शक्तिमान की है जी ये। और इसमें आपका कितना खर्चा आता है, मतलब जैसे हम एक एकड़ में अगर स्प्रे करते हैं तो कितना खर्चा लेती है उसका डीजल का? आधा लीटर डीजल। इस पर लिखा हुआ है नर्चर फार्म न्यूट्रल फार्म न्यूट्रल। अच्छा, ये ऊपर से पाइप है ना? अच्छा, तो ये अपना नाम है इस कंपनी का? कंपनी का ये। ओके, तो है वैसे शक्तिमान की। तो कितने में खरीदी थी आपने, किस साल में खरीदी थी आपने? ये इसी साल खरीदी ये मशीनें। इसी साल? हाँ, मतलब एक साल हो गया पूरा। हाँ, से तो कितने की पड़ी आपको ये ऐसी पड़ गई 15.5 लाख। 15.5 लाख रुपए में पड़ी। तो ये जैसे मतलब कितनी देर में, 5 एकड़ के अंदर कितनी देर में स्प्रे कर देती होगी? एक एकड़ में ऐसा लग जाता है कोई 7-8 मिनट। 7-8 मिनट के अंदर एक एकड़ में से बाहर निकल जाती है। और एक ही आदमी चाहिए मतलब स्प्रे करने? हाँ जी, मतलब जो ड्राइवर है हाइड्रोलिक सिस्टम है सारा ही। हाँ, पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये देखो प्रेशर के पाइप हैं इस साइड में, और ये पूरा आपका ऐसे प्रेशर के पाइप से आप जिस साइड में जितना ऊंचा उठाना चाहते हो इतना ऊंचा उठा गए यहाँ से फ्रंट से। हाँ। और स्प्रे करते चलोगे, फ्रंट में शीशा लगा तो ड्राइवर के ऊपर दवाई वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट दे रखा है, ऊपर पंखा भी लगा हुआ है अंदर की तरफ, ये देखो सामने। और ये पूरी मशीन है,
तो भाइयों मेहनत से ही है, और मेहनत की भी बात करेंगे, सच पूरी बात करवाऊंगा आपकी मैं। एक इनके पास में बाहर की तरफ चलते हैं, एक ही मशीन खड़ी, ये भी जॉन डियर कंपनी, और एक कंपैन ये खड़ी, एक ट्रैक्टर इनके पास जॉन डियर 5310 बाहर की तरफ ये खड़ा, 8 मॉडल ट्रैक्टर है ये, 2008 है जी, ये अपनी सारी रोटरी वगैरह, और ये इधर हैरो, हैरो भी मेरे हिसाब से जी ये कितने तवे की हैरो है? 9 तवे की। अच्छा 9 भाई, मतलब 9 9 18 की है। प्रेशर वाली है, सिंपल है? नहीं सिंपल है, सिंपल है। वैसे मतलब कहने के लिए तो आप 500 550 रुपये कर रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ किराया भी कर रहे हैं उसमें, 1100 रुपये का करीब, 1100 में मतलब आप हर साल काम करते हो कुल मिलाकर, मतलब खुद की अपनी गेहूं का फसल ज्यादा था गेहूं। तो जब आप मतलब अलग हुए थे, जैसे आपने बताया, तो किस सन में आप अलग हुए थे? जब 100 बीघे के आसपास आप पर जमीन थी? हम 96 में हो गए थे, 96 में। आज चला जी 22, तो 22 में इतनी मेहनत करी भाई साहब ने, इतनी मेहनत करी, मतलब देखो जी जो कुछ है वो जॉन डियर के बाद में ही हुआ है, जॉन डियर के बाद में हुआ है। न्यारे होने के बाद में तो पहले तो अपना कहना सामान बर्तन टेला यही नहीं पूरा होता आदमी, बिल्कुल सही बात है जी, 2-3 साल तो वो 1-2 साल तो उसी में निकल जाते हैं बिल्कुल। और जमींदारों में यही तो सबसे माड़ी खासियत है, जो जिस टाइम न्यारा होगा उस टाइम डबल सामान बनाना पड़ेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल, इनकम हुई रहेगी उनकी, बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड रहेगी जी, ये चीजें हैं जो। तो जॉन डियर जैसे मतलब आपने इतने इतने सारे ट्रैक्टर ले लिए, और आज भी आपके पास में है 3-4 ट्रैक्टर हैं, तो आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और ट्रैक्टर आपके खुल भी नहीं रहे, तो जॉन डियर से तो आप बहुत मतलब देखो जी, अगर किसान के पास में चलाए तो हमने पहले स्वराज भी चलाया, हाँ जी, जो अपने 84-85 के पास आस पास हमारे पास चलता रहा, बिल्कुल। फिर एशर भी था और महिंद्रा, पर जो चीज इसमें मिली ना जॉन डियर, हाँ जी, फोर्ड ट्रैक्टर भी चलाया, फोर्ड भी मतलब 2 साल बाद खुलना चालू हो गया था, 2 साल बाद, क्योंकि हाँ बहुत ज्यादा है ना जी, मतलब हाँ देखो जब हमारे पास में एक तो ट्रैक्टर ऐसा है कि मतलब 20 बीघे में से मतलब खेती करके निकल कर आ गया, हाँ 10 दिन स्टार्ट नहीं हुआ दोबारा, एक ऐसा कि वो रात को भी चल रहा है और दिन में भी चल रहा, तो उसमें फर्क आता है। जिस टाइम ये रोटरी का चलन हुआ ना, हाँ जी, 2005-06 में रोटरी का चलन हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस टाइम हम 3 ड्राइवर थे, एक ट्रैक्टर था हमारा, एक ट्रैक्टर पर 3 ड्राइवर, जी जी जी, और 3 ट्रैक्टर थक जाते थे, ट्रैक्टर कहता कि बस आ जाओ। अच्छा जी, मतलब ट्रैक्टर नहीं थका था, ड्राइवर थक जाते तीनों, उस टाइम इतना था कि 4-4 दिन तब गेहूं का छंट पड़ा रहा, बिल्कुल, और दिन जाया करते भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सर, बहुत अच्छा समय, और सर आज जितना हमारे हिसाब में है इतना है।